Dear students, assalamu alaikum. Today our topic is addition. Two class, आज हम addition यानी जमा के बारे में पढ़ेंगे. Addition किस तरह सीखा जाता है ये देखेंगे. प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करना सिखाया था, तो आज हम addition सीखेंगे. Addition, फर्स्ट हम addition की डेफिनेशन देखते हैं. Addition क्या है? Addition is the process whereby the we put objects together. सेकेंड, दोबारा रिवाइज करती हूँ. एडिशन इज द प्रोसेस वेयर बाय द वी पुट ऑब्जेक्ट्स टुगेदर. ऐसा काम जिसमें एक चीज़ में हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को प्लस करें, वो एडिशन कहलाता है. यानी एक वन एग्जाम्पल आपके पास इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल आज हम इसका कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर करेंगे कि आपके पास चंद पेंसिलें हैं. मैंने कुछ छोटी पेंसिलें दी हैं आपको और कुछ बड़ी पेंसिलें दी हैं. ये आपके पास छोटी पेंसिलें हैं और ये बड़ी पेंसिलें हैं. फोर आपके पास छोटी पेंसिल्स हैं और फाइव आपके पास बड़ी हैं. ठीक है, एडिशन करते हुए हम ये करते हैं कि पहले जो बड़ा नंबर है आपके पास, बड़ा अमाउंट ऑब्जेक्ट का है, पहले हम उसे काउंट करते हैं, उसे काउंट कर लेते हैं, उसमें फिर हम छोटे को प्लस करते हैं. बड़ा आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो आपके पास फाइव, आपके पास बड़ी पेंसिल्स हैं. बड़ी पेंसिल्स में आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बड़ा ऑब्जेक्ट आपके पास फाइव है और फोर छोटी पेंसिल्स हैं. अब फाइव में फोर को किस तरह प्लस करेंगे, देखिए फाइव आपने लिखा, अब फाइव के अंदर आप इससे आगे फोर किस तरह इसमें प्लस करेंगे, फोर फाइव सिक्स सेवन एट. हाउ मैनी फिंगर्स, हाउ मैनी पेंसिल्स वी हैव, फाइव एंड फोर, ये फाइव है और इसमें फोर प्लस करेंगे, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. कितनी होगी हमारे पास, फाइव में हमने फोर प्लस किया तो ये हो गई नाइन. यानी हम जो डिजिट्स आपको, जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उस ऑब्जेक्ट्स में दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, बिग ऑब्जेक्ट्स में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जमा करेंगे. आते हैं यहाँ पर हम एडिशन के कुछ क्वेश्चंस पे, तो देखते हैं. देखिए आपके पास, देखिए और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे देखिए, बड़ा है एट और छोटा है थ्री. अब एट ऑफर्स कीजिए, आपके पास बुक्स हैं, एट बुक्स हैं और उसमें थ्री प्लस हमने करना है, थ्री को प्लस करना है. तो इस तरह होगा कि पहले हम एट नंबर ऑफ एट को देखिए, नंबर ऑफ एट से आगे काउंट करेंगे हम थ्री को. थ्री फिंगर, थ्री बुक्स लीजिए, थ्री फिंगर्स लीजिए आप यहाँ पर. थ्री से यानी एट से आगे हम काउंट कैसे करेंगे, एट के बाद थ्री फिंगर्स को, एट नाइन टेन इलेवन, कितना हो गया इलेवन. बट हमें इस बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर वन लिखा इलेवन का और वन यहाँ पर कैरी देंगे हम अगले डिजिट में. वो कभी भी दो नंबर इस तरह करके आंसर्स में नहीं लिखे जाते, इलेवन को इस तरह नहीं लिखा जाएगा. ठीक है, आप इसको इस्तेमाल इस तरह करेंगे, इन दो डिजिट्स का राइट हैंड जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ लिखेंगे. ठीक है, वन हम यहाँ लिखेंगे और नेक्स्ट वन को हम यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के ऊपर ले जाएंगे. वो इस तरह जब आप नेक्स्ट आप प्लस करेंगे तो उसके अंदर हम उसको प्लस कर देंगे. अब देखिए टू और वन, टू आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स बड़ा है. ठीक है, टू में अब आपने वन प्लस किया तो टू से आगे वन काउंट कीजिए, टू के बाद क्या हो गया, वन प्लस किया तो थ्री हो गया. ये आपके पास थ्री हो गया और अब आपने यहाँ से एक कैरी यहाँ दिया था, वो भी आपके पास यहाँ रखा हुआ है. तो अब टू में वन प्लस किया, आपके पास आंसर हो गया थ्री. अब थ्री में वन प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा फोर. द आंसर इज 41. यानी 13 में जब हम 28 प्लस करेंगे तो 41 आंसर हो जाएगा हमारे पास. इस बात का ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर दो डिजिट्स में आंसर आ रहा है तो एक नंबर ऑफ आंसर राइट हम यहाँ लिखेंगे और लेफ्ट वाले को, आगे वाले को कैरी दे देंगे. इस बात का ख्याल रखना है हमने. अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं. देखिए किस तरह, सिक्स में हमने फोर को प्लस करना है. अब बड़ा देखिए कौन सा डिजिट ऑफ नंबर, सिक्स बड़ा है. अब सिक्स में फोर प्लस करेंगे, फोर में सिक्स नहीं प्लस कर सकते. मैंने आपको पहले समझाया था कि बड़े ऑब्जेक्ट्स में छोटे ऑब्जेक्ट्स को प्लस करना है, तो लिहाजा सिक्स में फोर प्लस करेंगे, सिक्स से आगे काउंटिंग करेंगे. कितने डिजिट्स जमा करने हमने, फोर. फोर फिंगर्स खड़ी कीजिए, रेज योर फिंगर्स, फोर. सिक्स से आगे काउंट कीजिए, सिक्स सेवन एट नाइन टेन. नंबर ऑफ आंसर इज टेन. सो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि दो नंबर में आंसर आएगा तो हम राइट हैंड यहाँ लिखेंगे और लेफ्ट को आगे ले जाएंगे यहाँ के कैरी के तौर पर. ये हम कैरी देंगे अगले नंबर में, ये हम कभी भी इकट्ठा नहीं लिखेंगे. हम जीरो यहाँ लिख दिया, वन ऊपर कैरी चला गया. अब फोर में वन, अब देखिए पहले फोर में टू प्लस कीजिए. किस तरह, फोर से आगे काउंटिंग कीजिए, बड़ा डिजिट नंबर फोर है, फोर से आगे टू प्लस करेंगे, फोर फाइव, टू प्लस करेंगे फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गए. अब सिक्स में वन प्लस कीजिए, कितने हो गए सेवन. आंसर इज सेवन. यानी फोर में टू प्लस किया तो कितना हो गया फाइव सिक्स,
यानी 4, 5, 6 और 1 जो यहाँ बच गया था हमारे पास कैरी आया था बराबर वाले से, तो ये हो गया 7। आंसर इज 70। 44 में 26 को प्लस किया, 70 आंसर आ गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह है कि देखिए इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर 1 एक अकेला दिया है, नीचे 2 दिए हैं। इस तरह करना है, आप देखिए किस तरह कि वंस आपके पास 9 में 9 सेम डिजिट्स हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सेम है, तो 9 से 9 आप काउंट, अब 9 से आगे 9 आपने काउंट करने हैं तो नंबर ऑफ़ फिंगर्स काउंट कीजिए, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 मेरे पास फिंगर्स हैं, अब 9 से आगे आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, हाउ मेनी फिंगर्स वी हैव, 18। यानी आपके पास आंसर आया 18, तो आपने 18 का 8 यहाँ लगाया, मैंने अभी आपको बताया था राइट हैंड आपने यहाँ रखना है और लेफ्ट को यहाँ कैरी करके यहाँ ले जाएंगे। अब बताइए ये कैरी होके जब यहाँ आया तो 4 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 5। 4 में 1 प्लस किया 5 आ गया, आंसर इज 58। आई होप सो आपने एडिशन बहुत अच्छी तरह समझा होगा। थैंक यू सो मच।